वेलकम टू शुभम टेक। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि HDFC बैंक का KYC फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है। ये फॉर्म आप बैंक से ले सकते हैं, आपकी ब्रांच से या किसी भी दूसरी ब्रांच से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले KYC फॉर्म भरने के लिए आपको अपना यहाँ नेम लिखना होता है। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आपको जो सेकंड एप्लीकेंट है आपके अकाउंट में उनका नेम आपको लिखना होगा। देन आपको अपनी कस्टमर आईडी लिखनी होती है। देन आपको अपने पिता का नाम लिखना होता है। ऐसे अगर जॉइंट अकाउंट है तो जो दूसरे एप्लीकेंट है उनके पिता का नाम आपको लिखना होगा। देन स्पाउस नेम यानी आपकी वाइफ का नाम। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या अदर्स में ऑप्शन लगाना है। अब देखिए, जब आप KYC फॉर्म भरते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। तो इसमें से जो जो डॉक्यूमेंट है आप वो टिक कर सकते हैं कि नहीं। दो डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड लगाऊंगा, तो आप दोनों को टिक कर दीजिएगा। अब आप चाहें तो और भी ऑप्शन लगा सकते हैं, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड, ये चीज़ भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना है, तो पैन नंबर और आधार नंबर लिख दीजिएगा। यहाँ पर पैन नंबर और यहाँ पर आधार नंबर। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है अगला, प्लीज मेंशन योर रेजिडेंशियल स्टेटस। आप भारत में रहते हैं तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा। सब लोगों को वैसे पहले वाले पे ही टिक करना है। देन प्रूफ ऑफ एड्रेस, आप एड्रेस प्रूफ में क्या देना चाहेंगे, तो आप UID मतलब आधार कार्ड पर टिक कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट टिक इफ एड्रेस टाइप इज अदर देन रेजिडेंशियल, इसको आप छोड़ देना है आपको। अब नेशनलिटी भरनी है तो आप यहां पर इंडियन लिख दीजिएगा। इसी के साथ अब क्या करना है, इस फॉर्म के साथ आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड इस फॉर्म के साथ लगा के काउंटर पर जमा कर देना है। आपका फॉर्म जमा हो जाएगा और KYC अपडेट हो जाएगी, आपको ट्रांजैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो नीचे का फॉर्म है वो दूसरा फॉर्म है, इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही बताना था कि KYC का फॉर्म कैसे भरा जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, इससे उन्हें जानकारी हो कि KYC फॉर्म कैसे भरा जाता है। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।